पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। पश्चिम बंगाल के कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि मालगाड़ी के चालक दल और जलपाईगुड़ी डिवीजन के परिचालन विभाग की लापरवाही से हादसा हुआ। सोमवार को एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को दार्जिलिंग जिले के फांसी देवा इलाके में पीछे से टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में यात्री ट्रेन का गार्ड और मालगाड़ी का चालक भी शामिल है। हादसे के बाद रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा ने कहा था कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल को अनदेखा किया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर इस हादसे की विस्तृत जांच कर रहे हैं। वहीं हादसे के तुरंत बाद रेलवे ने 6 वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाई, जिसे शुरुआती जांच का जिम्मा सौंप दिया गया था। अब जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 अधिकारियों ने पाया है कि हादसे में मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल का उल्लंघन किया, साथ ही स्पीड लिमिट का भी उल्लंघन किया। वहीं एक अधिकारी का कहना है कि न्यू जलपाईगुड़ी रेल डिवीजन के परिचालन विभाग की लापरवाही से और रानीपात्रा और चतरहाट जंक्शन के रूट को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया जा सका। जांच समिति के अधिकतर सदस्यों का मानना है कि मालगाड़ी के चालक ने नियमों का पालन नहीं किया और खतरनाक तरीके से ऑटोमेटिक सिग्नल को पार किया। इसके साथ ही ट्रेन की स्पीड नियमों से ज्यादा रखी, जिस वजह से दोनों ट्रेनों की टक्कर हुई। आपको बता दें कि हादसे के बाद न्यू जलपाईगुड़ी डिवीजन के चीफ लोको इंस्पेक्टर ने बताया कि 17 जून की सुबह 5:50 पर ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल काम नहीं कर रहे थे। ऐसी स्थिति में नियमों के मुताबिक पूरे सेक्शन यानी कि रानीपात्रा से लेकर चतरहाट जंक्शन को पूरी तरह से ब्लॉक सिस्टम में बदला जाना चाहिए था और सेक्शन पर एक समय में एक ही ट्रेन को गुजरने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार कंचनजंगा एक्सप्रेस सुबह 8:27 पर रानीपात्रा स्टेशन से निकली थी और सिग्नल खराब होने की वजह से उसे TA 912 और T 969 फॉर्म जारी किए गए थे। TA 912 फॉर्म जारी होने का मतलब होता है कि ट्रेन सभी लाल सिग्नल को पार कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ फॉर्म T 369 जारी होने का मतलब होता है कि ट्रेन 2 सिग्नल तुरंत पार कर सकती है, लेकिन उसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक होनी चाहिए। जांच में खुलासा हुआ कि मालगाड़ी को भी उसी अथॉरिटी ने ये फॉर्म जारी किए और वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंतराल पर, सुबह 8:42 पर। रिपोर्ट में बताया गया है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस एक खराब सिग्नल पर रुककर इंतजार कर रही थी, तभी मालगाड़ी ने पीछे से आकर उसमें टक्कर मार दी। इस टक्कर से मालगाड़ी के 5 कोच और 11 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि जब मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी तो उस वक्त मालगाड़ी की स्पीड क्या थी।